नमस्कार दोस्तों, आपने कभी सोचा है जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में कैसे काम करता है? अभी तक इंटरनेट के लिए हम ब्रॉडबैंड, फाइबर क्लैप्स और मोबाइल नेटवर्क्स पर निर्भर थे, लेकिन ये सेवाएं हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। यही वजह है कि सैटेलाइट इंटरनेट ने इंटरनेट की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दी है। मान लीजिए आप किसी ऐसे गाँव में हैं जहाँ ना मोबाइल टावर है ना ही ब्रॉडबैंड की सुविधा, ऐसे में सैटेलाइट इंटरनेट एक वरदान साबित हो सकता है। ये तकनीक न केवल दुर्गम इलाकों में बल्कि समुद्र के बीचों बीच भी इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि सैटेलाइट इंटरनेट असल में काम कैसे करता है। सैटेलाइट इंटरनेट के तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है ग्राउंड स्टेशन, ये धरती पर स्थित होते हैं और इंटरनेट डेटा को सैटेलाइट तक भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। दूसरा खुद सैटेलाइट है, ये उपग्रह पृथ्वी के कक्षा में स्थित होते हैं और डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तीसरा है यूजर डिवाइस, इसमें आपके डिश एंटीना और मॉडेम आते हैं जो सैटेलाइट से सीधे जुड़ते हैं। जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो आपका अनुरोध पहले आपके डिश से सैटेलाइट तक जाता है, वहाँ से ये सिग्नल धरती पर स्थित नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में पहुँचता है जहाँ डेटा प्रोसेस होता है। इसके बाद ये डेटा सैटेलाइट के जरिए वापस आपके डिवाइस तक आता है। ये प्रक्रिया बेहद तेज़ होती है, लेकिन इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है, जिसे लेटेंसी कहते हैं। अब बात करते हैं सैटेलाइट इंटरनेट के फ़ायदे की। पहला है दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी, जहाँ मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड नहीं पहुँच पाया है वहाँ भी सैटेलाइट इंटरनेट काम करता है। दूसरा है मोबिलिटी, इसे कहीं भी सेट किया जा सकता है, चाहे आप जंगल में हो या पहाड़ों पर या फिर समुद्र के बीचों बीच। तीसरा है फास्ट इंटरनेट, या सैटेलाइट इंटरनेट रिमोट एरियाज में भी फास्टली काम करेगा। चौथा है आपातकालीन स्थिति में मदद, बाढ़, भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान जब अन्य नेटवर्क फेल हो जाएंगे तब सैटेलाइट इंटरनेट काम आता है। तो दोस्तों, जहाँ फ़ायदा है वहीं चुनौतियाँ भी होती हैं। आइए जानते हैं सैटेलाइट इंटरनेट के कुछ कमियों के बारे में। पहला है लेटेंसी, क्योंकि सिग्नल को अंतरिक्ष में स्थिर सैटेलाइट तक पहुंचना होता है, इसमें थोड़ा समय लगता है। ख़ास तौर पर वीडियो कॉल और ऑनलाइन गेमिंग जैसी गतिविधियों में ये समस्या आ सकती है। दूसरा है मौसम का प्रभाव, भारी बारिश और तूफान के दौरान सिग्नल कमज़ोर हो सकते हैं। तीसरा है खर्च, सैटेलाइट इंटरनेट की लागत पारंपरिक ब्रॉडबैंड की तुलना में अधिक होती है। चौथा है डेटा लिमिट, कई सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं डेटा लिमिट के साथ आती हैं, जिसमें बड़े डाउनलोड से परेशानी हो सकती है। दर्शकों, अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने सैटेलाइट इंटरनेट को हर किसी तक पहुंचाने का सपना देखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। उनकी कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत हज़ारों सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। स्टारलिंक का लक्ष्य है पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ना। स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा भारत के दूर दराज क्षेत्रों में भी उपलब्ध होने की संभावना है। ये सेवा विशेष रूप से उन जगहों के लिए फायदेमंद होगी जहां पारंपरिक इंटरनेट सेवाएं पहुंच जाती हैं। दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट का भविष्य बेहद उज्जवल है। आने वाले समय में इंटरनेट हर गाँव हर शहर तक पहुँचेगा, आपातकालीन सेवाएँ पहले से अधिक सक्षम होंगे, ऑनलाइन शिक्षा और टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। हालांकि इसके लिए तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों को हल करना काफ़ी ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि आपको सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। अगर आप किसी दूरदराज इलाके में रहते हैं जहां पारंपरिक इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हालांकि अगर आपके पास पहले से ब्रॉडबैंड की सुविधा है, तो सैटेलाइट इंटरनेट को मुख्य रूप से बैकअप के रूप में इस्तेमाल करना बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये थी सैटेलाइट इंटरनेट की पूरी कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।